शाहिद बशीर और साथी रिपोर्टर अरशद मेहदी के साथ सईद लोधी, न्यूज वन लाहौर। मुल्क भर की तरह आसाबाद के शहरी भी पूरे जोश व खरोश के साथ ईद मना रहे हैं। शहरियों ने सैर तफरी के साथ दरियाए आसाबाद के किनारे खाना तैयार करके ईद के पहले दिन को खूब इंजॉय किया। मजीद बता रहे हैं रफीउल्लाह खान अपनी रिपोर्ट में। सबसे बड़ी तफरीही पार्क फिजागत में लोगों का गैर मामूली रश देखने में आया। मौसम बिल्कुल ठंड है और पार्क में बहुत खूबसूरत दोस्तों के साथ एंजॉय करे। आज ईद का पहला दिन है और बहुत जबरदस्त मौसम है। आप यकीनन देख भी रहे होंगे कि बादल है आसमान पर और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ईद के लिए लोग आए हुए हैं और बड़े खुशी मना रहे हैं। दरवेशवाद के किनारे नौजवानों ने अपने लिए खुद खाना तैयार किया और उनसे भरपूर लुत्फ उठाया। यहाँ खाना भी खुद पका रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ बहुत खूब इंजॉय कर रहे हैं। तवक्को की जा रही है कि स्वात में ईद के दूसरे और तीसरे रोज सैयाहों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। रफीउल्लाह खान, न्यूज वन, स्वात। खुशी का मौका हो और रक्स ना हो, ये कैसे हो सकता है। मुल्क में हर कोई ईद की खुशियां मनाने में मगन है। हर कोई अपने अपने अंदाज में खुशियां मना रहा है। आइए देखते हैं खुशी मनाने के कुछ अनोखे अंदाज। मुल्क में हर जानिब ईद के रंग, हर किसी का अंदाज है दबंग।